हिमालयन ग्लेशियर्स, ऐसे ऐसे चीजों में आप छेड़ देते हो। नहीं, आई वॉज ऑल्सो विक्टिम ऑफ दिस प्रिजुडिस। मैं शुरू शुरू में ऐसे ही सोचता था, एंड देन आई रेड लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू रिजर्वेशन एंड कंडीशन, देन आई कम्प्लीटली चेंज माई सेल्फ। फिर उसके बाद कोई भी अगर बोलता है तो अंदर से आग ऐसे निकलता है, से नहीं करना है, आप अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे। यू कांट बिकम अ गुड सर्वेंट, सिविल सर्वेंट, अगर इस तरीके का थिंकिंग रहेगा तो। क्योंकि आप, आपको जो मैक्सिमम एनकाउंटर होगा वो उन्हीं के साथ होगा, SC ST के साथ ही। जो जो अपर कास्ट होते हैं ना, वो बहुत ही कम, जो IAS है, जो जो रिच पीपल होते हैं, वो IAS के पास नहीं जाते हैं। वो कहीं से फोन करवाते हैं, उनके उनके केसेस लिखे नहीं जाते हैं, ऑलरेडी खत्म हो जाता है। ठीक है, SC ST का अगर आप देखोगे कई सारे रिपोर्ट्स, जाजा कमेटी रिपोर्ट अगर देख लो, ठीक है, वो ST के बारे में रिपोर्ट्स है, उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ एस टी कम्युनिटी इज दैट इलीगल इलीगल कन्फाइनमेंट, इलीगल रिपोर्ट्स, ठीक है, और इलीगल अरेस्ट, ये सारी चीजें होती है, परेशान करते हैं। गांव में कोई चोरी होती है तो कौन जाता है? किसी पंडित के घर में जाते हैं, तेरा लड़का चोरी किया? नहीं, ST उधर जाओ, विक्टिम बनाओ उसको, 2-3 थप्पड़ मारो, हाँ काम हो गया, चले जाओ। रिपोर्ट सुन के नहीं लिखे जाते हैं, ये हमारा तरीका नहीं है, ये देश का वैल्यूज नहीं है, ये अगेंस्ट है हमारी डेमोक्रेसी। ठीक है, तो प्रिजम्पशन जो होता है कि हाँ यही क्राइम किया है, यही गंदा है, यही खराब है, ये बहुत ज्यादा है हमारे देश में, ये नहीं होना चाहिए। जो ही जो जो अपर कास्ट की फैमिली में पैदा हुआ, वो मतलब कि सारा गुण उसी में, बाकी जो गरीब के यहाँ पैदा हुआ वो मतलब पहले से ही खत्म है, मतलब रिफॉर्म भी नहीं कर सकता, ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर सकता, वो अपने भाग के उसका ऐसा आया है कि वो जिंदगी भर वो वही करेगा, मनरेगा में ही लगे रहेगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। बर्थ मैंने गरीब बोला, ठीक है, बट गरीबी का कंसंट्रेशन उधर ज्यादा है तो उधर मैं रेफरेंस ज्यादा दे रहा हूँ, बट मैंने बोला ना इकोनॉमिक स्टेटस पे होना चाहिए, गरीबी उधर भी है, उनको भी मिलना चाहिए, ये बोला। जो 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 लड़का अगर पैदा होता है, लड़की पैदा होती है, तो उसमें अगर लोअर कास्ट में पैदा होता है या फिर गरीब के यहाँ पैदा होता है, तो उसको फुल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके। ठीक है, तो ग्लेशियर, अब हिमालयन ग्लेशियर में, कल मैंने बताया था आर्कटिक का मेल्टिंग, ठीक है, तो अब हिमालयन ग्लेशियर में पहले तो हम क्या करेंगे, विल डेवलप वन मैप, यहाँ पर थोड़े बहुत ग्लेशियर्स के नाम पता होना चाहिए। ठीक है, हियर इन POK रीजन वी गॉट द हिस्पर, देन बोलतोरो ग्लेशियर, देन K2 जिसे बोलते हैं, एंड देन सियाचिन। ठीक है, एंड हियर वी गॉट गंगोत्री, अमरोत्री भी लिख सकते हो, मिलम, हियर वी गॉट कंचनजंगा। कंचनजंगा, ठीक है, ये कर सकते हो। अभी आपने ये देखा होगा कि इधर जो ग्लेशियर्स है वो ज्यादा है, इधर कम होते जा रहे हैं, यहाँ मिसिंग है, क्यों? हाँ, तो ज्यादा होता है, मतलब इधर टेम्परेचर ज्यादा होगा इधर कम, या हिल में जाएंगे ऊपर टेम्परेचर ज्यादा होगा नीचे कम? ऊपर ऊपर नीचे किधर है, लैटिट्यूड बताओ, नॉर्थ लैटिट्यूड, लोअर लैटिट्यूड, ऐसे ऊपर मतलब मैं कंसीडर कर रहा हूँ हिल, हिल में चढ़ के जाओगे ऊपर, और अच्छा ये नॉर्थ, हाँ वेरी गुड, ये साउथ में है, ये नॉर्थ में, और भी कुछ रीजन होगा, ऐसे थोड़ी है। देखो अगर आप मैप देखोगे तो हियर इन इंडिया वी गॉट इंडिया, हियर ऐसे करके,
तो जो हिमालय है ये यहाँ पर शुरू होता है और यहाँ से खत्म होता है। हाँ, तो जो ये लैटिट्यूड होगा दैट इज जैसे कि हमारा वी गॉट मिजोरम त्रिपुरा, जहाँ से हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर पास होते हैं, बट यहाँ कश्मीर, कश्मीर का जो 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 लैटिट्यूड होगा नॉर्थ साइड में होगा, इसका साउथ में होगा मोर नियर टू द ट्रॉपिक्स, मोर नियर टू द ट्रॉपिक्स, तो यहाँ पर रेनफॉल होने के चांसेस ज़्यादा होगा। ठीक है, जब रेनफॉल के चांसेस ज़्यादा होगा दैट मीन्स यहाँ पर स्नोफॉल कम होगा। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा बिकॉज इट्स नियर टू ट्रॉपिक्स, तो यहाँ पर ग्लेशियर्स कम होंगे। द सेकेंड रीजन इज द स्टीपनेस ऑफ माउंटेन इज ऑल्सो वेरी हाई हियर एंड हियर इज लेस। सो स्टीपनेस ऑफ माउंटेन इज हियर, जब माउंटेन क्या होता है ऐसे करके होगा तो यहाँ अगर स्नोफॉल होता है तो वो सीधे क्या होगा, नीचे आ जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, इधर साइड वी गॉट लेस स्टीपनेस, तो अगर कोई यहाँ पर जा रहा है तो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, तो ग्लेशियर फॉर्म होते हैं। नदन साइड ऑफ हिमालय कौन सी? हाँ, कहाँ पे? अरे लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग देखा हमने, यहाँ पे लेट्स सी 35 डिग्री और इधर इधर 25 डिग्री, तो नॉर्थ साउथ। और तो यहाँ समझ में आया कि ग्लेशियर्स यहाँ पे क्यों होगा। ठीक है, नाउ दीज ग्लेशियर्स आर नाउ एक्सपीरियंसिंग मेल्टिंग, मेल्ट हो रहे हैं एंड विथ एन एवरेज ऑफ 15 मीटर्स मीटर पर ईयर, 15 मीटर पर ईयर, इतना ज़्यादा रिट्रीट हो रहा है। द सेम टाइम द मेल्टिंग इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू इसरो, इसरो सेड दैट थ्रू इट्स लॉन्ग टर्म डेटा मॉनिटरिंग सेड दैट थ्री बेसिन्स, वन इज गंगा, सेकेंड इज इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गंगा यहाँ गंगोत्री से जनरली, यहाँ पर वी गॉट द मानसरोवर, मानसरोवर के नॉर्थ से वी गॉट इंडस रिवर। ठीक है, बोकारचू ग्लेशियर है इधर, बोकारचू लेक। ठीक है, फ्रॉम साउथ वी गॉट द सतलज रिवर, रकास लेक है वहाँ पर, सतलज रिवर वहाँ से ओरिजिनेट होती है, एंड फ्रॉम ईस्टर्न पार्ट वी गॉट ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम चेमा यंगदंग। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, सो से दैट द बेसिन ऑफ दीज थ्री रिवर्स नाउ हैव रिट्रीटेड बाई अराउंड 76%, 76%। सो वी गॉट द टू डेटा, दो डेटा मिल गया, एक डायग्राम मिल गया हमारे पास। ठीक है, नाउ वी नीड गुड डिस्कशन, डिस्कशन होना चाहिए हमारे पास। सो एक आप डायग्राम वो भी बना सकते हो, साइकिल वाला, आइस मेल्टिंग, जब आइस मेल्ट करेगा तो क्या होगा, लेस एल्बिडो, जब लेस एल्बिडो होगा तो मोर रेडिएशन एब्जॉर्प्शन, जब रेडिएशन ज्यादा एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, वार्मिंग लोअर एटमॉस्फेयर, सेम टाइम जब लोअर एटमॉस्फेयर वार्म करेगा तो वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, जो वार्म रहेगा वाटर वेपर ज्यादा होंगे, वाटर कंटेंट ज्यादा होगा देन वी गॉट टेम्परेचर एम्प्लीफिकेशन, टेम्परेचर एम्प्लीफिकेशन, ये अगेन ग्रीन हाउस की तरह काम करेगा। ठीक है, एंड अगेन वी गॉट आइस मेल्टिंग। सो आइस मेल्टिंग और रेट ऑफ मेल्टिंग इन हिमालयन ग्लेशियर इज ऑलमोस्ट मोर देन 3 टाइम्स मोर एज कम्पेयर टू ग्लोबल एवरेज। ठीक है, ग्लेशियर मेल्टिंग का जो रेट होता है वो बहुत हाई होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर प्लेस बिकॉज ऑफ दिस साइकिल।
समझ आया वहां पर ज्यादा क्यों होता है। और मेजर करने का भी, सपोज किसी प्लेस का 25 डिग्री टेम्परेचर है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका टेम्परेचर राइज हो गया 26 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? .04, ठीक है, उतने परसेंट इंक्रीज हुआ। नाउ एट द सेम टाइम अगर यहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था और यहां से हमने 1 डिग्री बढ़ गया, हमारा 1 डिग्री हो, इधर कितना हुआ? 100% इंक्रीज हुआ। तो हम यहां से बोल सकते हैं ना, अमाउंट ऑफ टेम्परेचर तो सेम इंक्रीज हुआ, तो यहाँ परसेंटेज यहाँ 0.04% एंड हियर वी गॉट 100% इंक्रीज, कर सकते हैं? तो यहाँ पर अगेन जो 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 बेस है वो कम है और फिर उसके बाद हमारा इंक्रीज ज़्यादा है, और आल्सो बिकॉज ऑफ दिस मैकेनिज्म जो जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है हमारा ग्लेशियर्स में अगेन वेरी हाई। समझ गए? इतना दो डायग्राम हो गया, कर सकते हैं। नाउ रिलेट दिस हिमालयन ग्लेशियर मेल्टिंग विद द इकोसिस्टम देयर, विद द इकोसिस्टम देयर। नाउ अदर थिंग इज दैट हियर here we got the China, Russia, here we have Siberia. Siberia region है कि नहीं है? here we have Himalaya region. Now the cold winds in the winter season comes from Siberia. साइबेरिया से कोल्ड विंड्स आते हैं कि नहीं? उसका लोकल नाम होता है बुर्रन, BURRAN, बुर्रन विंड्स, ठीक है। नाउ दिस कोल्ड विंड्स आर कमिंग हियर एंड मेक दिस रीजन एज अ डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, गोबी डेजर्ट है ना, कोल्ड डेजर्ट बन जाता है, ठीक है। नाउ हियर अब इस साइड से ऐसे आएगा तो जो हमारा हिमालय है उस वो विंड्स को ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक कर देता है, एंड ऑल्सो सेव अवर दिस मेन लैंड from becoming a cold desert, ठीक है। So Himalaya play important role in moderating our climate. Climate को moderate करने में help करता है कि नहीं? करता है, ठीक है। So इसका ecological integrity of this Himalaya is very much important for ecological security of our nation. अगर ये ठीक है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो इंडिया है उसका इकोलॉजिकल सिक्योरिटी इज प्रिजर्व्ड, बोल सकते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना, ठीक है। एक यहाँ पे केस स्टडी आप डाल सकते हो, या एग्जांपल केस स्टडी डाल सकते हो। इन 2016 फॉरेस्ट फायर इन उत्तराखंड, लिख लो, In 2016, forest fire in Uttarakhand increased particulate matters in atmosphere as content and these as content and PMs particulate matters got deposited in Himalayan glaciers. Decreasing the albedo power of
आइस, डिक्रीजिंग द अल्बिडो पावर ऑफ आइस। ये समझ आ गई है? ये साइकिल आप रिपीट कर सकते हो, तो ये सही है, ये वाला साइकिल रिपीट हो जाएगा। तो आपके पास एग्जांपल भी होगा, केस स्टडी भी होगा, डायग्राम भी होगा, सम डेटा भी होगा, ठीक है ना। इसको जो लास्ट में लिखा हुआ उसको पढ़ो, फर्स्ट पेज के लास्ट में नीचे, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस। नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस। जानते हो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस? विंड होता है ऑफकोर्स। अरे यार आप लोग ना मजे करते हो, कुछ नहीं आता। एनसीईआरटी बोला पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ते ही नहीं हो, ऐसे ही आईएएस बनोगे क्या बेटा? तो पढ़ लो नहीं, यहाँ से लौट के जाने में बड़ा गंदा लगता है। हियर यू गॉट मेडिटेरियन सी, ठीक है, ये अरेबियन पेनिनसुला पेनिनसुला एंड हियर वी गॉट पाकिस्तान, ठीक है। अभी जो अपर विंड्स होते हैं वो ऐसे ऐसे करके मूव करते हैं कि नहीं? जेट स्ट्रीम का नाम सुना होगा, मैं बताऊंगा उनका ओरिजिन कैसे होता है, ये मूव क्यों करते हैं, ठीक है। जेट स्ट्रीम का नाम सुना होगा, तो देयर इज अ वन जेट स्ट्रीम कॉल सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है। दिस जेट स्ट्रीम मूव लाइक दिस, ठीक है, एंड साइक्लोन्स, टेम्परेट साइक्लोन्स, टेम्परेट जो साइक्लोन्स होते हैं वो टेम्परेट रीजन में होते हैं, 40 से 60 के बीच में, ठीक है। नाउ दिस टेम्परेट साइक्लोन्स मैनी अ टाइम्स कैन बी ड्रैग्ड बाय दिस जेट स्ट्रीम्स इन विंटर, बिकॉज विंटर में इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है जेट स्ट्रीम्स की। बताऊंगा क्यों इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो यहाँ के जो वीक साइक्लोन्स होते हैं उसको कैरी कर सकता है, ठीक है। और साइक्लोन्स ओरिजिनेटेड इन दिस प्लेस कैन बी कैरीड बाय दिस वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, यहाँ से ऐसे करके मूव करके लाएगा, ठीक है। एंड हियर वी हैव हिमालय, जब हिमालय में इस तरीके से मूव कर रहे होते हैं तो ये जेट स्ट्रीम दो पार्ट्स में बाइफरकेट हो जाती है, वन इज नदन जेट स्ट्रीम, वन इज सदन जेट स्ट्रीम। तो ये जो जो साइक्लोन आ रहा था, वीक साइक्लोन होता है, वो यहाँ पर रेनफॉल करेगा कि नहीं, ठीक है। तो ये प्लेन एरिया होगा, यहाँ पर भी रेनफॉल हल्का हल्का फुट हिल्स में। सेम टाइम अगर यहाँ से ऐसे मूव कर रहा होगा तो यहाँ पर अगेन जो जो जेट स्ट्रीम है और जो साइक्लोन वीक साइक्लोन आ रहा है उसको फोर्स करोगे ऊपर जाने के लिए, हिमालय आ गया ना, फोर्स करोगे ऊपर जाने के लिए। जब फोर्स करोगे ऊपर जाने के लिए तो अगेन टेम्परेचर डिक्रीज होगा, मैंने बताया था जब नीचे से ऊपर जाता है टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो फिर हमारा क्या होगा, कंडेंसेशन होगा और रेनफॉल होगा। तो यहाँ पर भी खूब रेनफॉल होता है, लाइट रेनफॉल इन विंटर्स, ठीक है। सो हमारा जो जो नॉर्मली जो वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, एंड दिस सेंट्रल एंड दिस ईस्टर्न इज मेजरली इन्फ्लुएंस्ड बाई मानसून। समझ गया? इतना डिटेल मत जाओ, डिटेल में पता चलेगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। इतना समझ में आया? हाँ, विंड में आएगा ना, ये सब पढ़ाऊंगा दो दो क्लास के बाद, मे बी ट्यूजडे और वेडनेसडे। आपके पास टाइम टेबल तो आ गया होगा ना? हाँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, संडे को मैप होगा और मंडे टेस्ट है आप लोगों का वर्ड वाला। हाँ, तो मंडे को टेस्ट भी होगा, टेस्ट विल बी आफ्टर द क्लास 1:15 बजे, 1:15 बजे टेस्ट होगा, तो नीचे या कहीं पे भी आप बैठ के दे देना, एंड आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट डे। आई वॉन्टेड टू कंडक्ट द टेस्ट इन द क्लास ऑल्सो, कि
ताकि आपको तुरंत तुरंत डिस्कस कर दूँ, बट आई थिंक वो सही नहीं है। ठीक है, बाद में करते, टाइम वेस्ट होगा ना, फिर मैं खड़े रहूँगा, आप टेस्ट कर रहे हो। नाउ नेक्स्ट, चेंज द पेज। हिमालयन ग्लेशियर्स आर रिपोर्टेड टू बी थिनिंग एंड हिमालयन ग्लेशियर्स ऑन एन एवरेज रिट्रीटिंग एट अ रेट ऑफ 15 मीटर्स पर ईयर। ये डेटा तो सही है, एंड जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें डेटा लिखा हुआ है अबाउट इसरो, इसरो ने जो बताया, देन साइकिल, एंड जो 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 लास्ट पैराग्राफ है उसको देखना। देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड फीडबैक मैकेनिज्म। जो आपने ये बनाया था साइकिल, साइकिल इज अ फीडबैक, एक दूसरे को एनहांस करते जाते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड ग्लेशियर रिस्पॉन्सेस बाई मैपिंग ग्लेशियर कैरेक्टरिस्टिक्स। जो अभी आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा कि इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान इज वर्किंग खैबर पास में, ठीक है, सो ये इसमें हेल्प करेगा। ग्लेशियर मैपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, कहाँ कहाँ पर ग्लेशियर्स है, ये मैपिंग होना चाहिए। उनका थिकनेस हमें पता होना चाहिए, द सेम टाइम मास बैलेंस, थिकनेस होना चाहिए, कितना मास है कितना क्या है, एंड देन बेसमेंट टोपोग्राफी, रिमोट सेंसिंग अगेन हेल्प करेगा। अगर अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है, राइट द रोल ऑफ रिमोट सेंसिंग और टेक्नोलॉजी इन माउंटेन मैनेजमेंट, ठीक है, तो अगेन आप लैंडस्लाइड जोनिंग, लैंडस्लाइड वीकर जोन्स, ठीक है, इन सब में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, हजार्ड वल्नरेबिलिटी पे कर सकते हो, ठीक है, हाँ, अर्थक्वेक्स ये मैपिंग पे कर सकते हो, ग्लेशियर वाले, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी दूसरे तरीके से आएगा, बट आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा है तो, रिवाइज कराया, चीज़ें आती हैं, अंडरस्टैंड, ब्रेन स्टार्मिंग, अपने मन में क्वेश्चन सोचा करो, यार इसमें ये पूछ सकता है, इसमें ये पूछ सकता है, ठीक है, तो आप अच्छे से आंसर कर जाओगे। और अगर आपने ये सब पूछा नहीं, सोचा नहीं पहले मन से, देन फिर प्रॉब्लम होगा, फिर बाद में यार ऐसे लगेगा कि यार कहाँ फंस गए। पहले से सोच के रखो, ये पूछेगा, वो पूछेगा, ऐसे कर सकता है। सो बेसमेंट टोपोग्राफी का क्या मतलब है, लेट्स सी, देखो, सपोज देयर इज अ वन प्लेस, हिल एरिया, जहाँ पर हमारा ऐसे करके ग्लेशियर डेवलप्ड है, ठीक है, उसका आपको थिकनेस भी पता है, जिससे हमने मेजर कर लिया, ठीक है, मास बेस भी पता है। सपोज एक लैंड, एक बेसमेंट ऐसा है, इसके ऊपर हमारा ग्लेशियर डेवलप हुआ, ठीक है, हमने क्या किया, ऐसे करके हमारा ग्लेशियर डेवलप्ड है, ठीक है। अब अगर ऊपर से हम ये वाली हाइट नापते हैं, ठीक है, और ये वाली हाइट नापते हैं, तो फिर हम गलत मास पे चले जाएंगे ना, क्योंकि इस पार्ट पे तो हमारा लैंड है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसका पूरा थिकनेस भी चेंज करना, बेसमेंट टोपोग्राफी देखना पड़ेगा, हमें ये मैप करना जरूरी है, ये मैप, क्योंकि अगर थोड़ा सा थिन करेगा तो एक ग्लेशियर दो पार्ट्स में हो जाएगा, अगर इस ये अगर मेल्ट कर गया इतना, तो एक ग्लेशियर ये पार्ट हो जाएगा, एक ग्लेशियर ये पार्ट हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। सो बेसमेंट टोपोग्राफी इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मास बेस, समझ गए इतना, ओके। नाउ नेक्स्ट पेज भी देखो, वार्मिंग कैन एक्सीलरेट रेट ऑफ चेंज इन माउंटेन इकोसिस्टम, क्रायोस्फेरिक सिस्टम, क्रायो मतलब आइस, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आया था 2017 में, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन इन क्रायोस्फीयर, व्हाट इज क्रायोस्फीयर एंड डिस्कस एंड देयर रोल इन मैनेजिंग द क्लाइमेट, ऐसे करके क्वेश्चन था 2017 में, था 10 नंबर का। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता था कि क्रायोस्फीयर होता क्या, ठीक है, तो कई बार क्या क्या करो, अगर नहीं पता है तो हिंदी भी पढ़ लिया करो, वहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है हिमांक, हिमांक तो पता होगा ना, कुछ बर्फ टाइप है, तो बस उसे पढ़ के काम चला सकते हो। अब क्रायोस्फीयर का रोल, आप साइकिल बना सकते हो कि नहीं, ठीक है, अगर ये साइकिल नहीं बनाना है और उसका अगर पॉजिटिव दिखाना है, तो अगेन दूसरा साइकिल बना सकते हो, आइस एक्यूमुलेशन हाई एल्बिडो, हाई एल्बिडो लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ठीक है, लो
लोअर एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर हीटिंग, और फिर उसके बाद अगेन आइस एक्युमुलेशन, ठीक है। तो अगेन इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट, इस तरीके से कर सकते हैं। क्रायोस्फीयर सिस्टम, हाइड्रोलॉजिकल रिजीम, पानी कितना होगा अगर ग्लेशियर मेल्ट करते हैं, तो अगेन हमारा जो सी लेवल राइज बढ़ेगा, सी लेवल राइज बढ़ेगा, अगेन इवेपोरेशन ज्यादा होगा, क्लाउड ज्यादा फॉर्म होंगे, वाटर रेनफॉल इधर उधर ज्यादा होगा। अभी आप लोग देखते हो कई बार किसी प्लेस में ज्यादा रेनफॉल हो जाता है, किसी प्लेस में होता ही नहीं है ना। तो दिस काइंड ऑफ इरेगुलरिटी इज मोर लोअर एटमॉस्फेयर हीटिंग। नाउ हिमालयस हैज प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन रीजनल क्लाइमेट एंड इट्स क्रायोस्फीयर गेट्स अफेक्टेड बाय चेंजिंग क्लाइमेटिक सिस्टम्स, गेट अफेक्टेड बाय चेंजिंग क्लाइमेटिक सिस्टम्स, कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिमालयाज आर वार्मिंग मच फास्टर देन रेस्ट ऑफ द ग्लोब। एनी प्रॉब्लम हियर साक्षी, समझ में आए? ठीक, इसमें मतलब क्या कंट्रोल क्या कर सकते हो? इसको हम ये नहीं बोल सकते कि ये हमें पूरा पॉजिटिव होगा या पूरा निगेटिव होगा, इतनी प्रोटेक्शन बहुत है, उसके लिए हम पॉजिटिव निगेटिव नहीं डाल सकते हैं। इसके लिए हम ये नहीं बोल सकते कि पूरा पॉजिटिव है पूरा निगेटिव, और इस तरीके के क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। हाँ, इसमें अगर पॉजिटिव में देखना है तो ऑफ कोर्स ये अर्थ मैकेनिज्म है, स्मूथ फंक्शनिंग, ठीक है, जो जो सीसी कोलिजन हो रहा है उस पर आप पॉजिटिव लिख सकते हो, अर्थ नेचर है, मदर नेचर है। निगेटिव में आप लिख सकते हो ये चाइना प्लेट है एंड हियर वी हैव इंडिया प्लेट, ठीक है। अगर हाइट ज़्यादा होगा तो इसके कोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा, स्टीपनेस ज़्यादा होगा अगर हाइट होगा, स्टीपनेस ज़्यादा होगा तो अगेन लैंडस्लाइड ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो दी ज़्यादा निगेटिव पॉइंट्स, ठीक है। तो ये इस तरीके नहीं, दे आर जस्ट टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज इनका कोई क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आएगा। नेक्स्ट, ग्लेशियर स्नो कैप्ड माउंटेन्स परमाफ्रॉस्ट सॉइल, परमाफ्रॉस्ट सॉइल मतलब जो अपर मोस्ट सॉइल होती है दैट इज कम्प्लीटली फ्रोजन, ठीक है। अपर मोस्ट जो सॉइल होती है दैट इज कम्प्लीटली फ्रोजन। यहाँ पर देखो ये ग्लेशियर है, इसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक कुछ सॉइल तो होगा ना, ये वाला पार्ट सॉइल तो होगा ना यहाँ पर। अब जब यहाँ पर सॉइल है, इसकी वजह से ये टेम्परेचर यहाँ पर बहुत डाउन होगा। अब सॉइल में थोड़ी बहुत तो मॉइस्चर होती है ना, अब जो वो मॉइस्चर है वो भी फ्रोजन होगी, तो ये जो पार्ट है हमारा जो सॉइल का वो भी फ्रोजन, उसको बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट रीजन। मैं क्लाइमेट में पढ़ाऊंगा, क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड उसमें आएगा ये परमाफ्रॉस्ट रीजन्स, परमाफ्रॉस्ट सॉइल, कोल्ड डेजर्ट, वेटलैंड्स, बहुत सारे वेटलैंड्स है। नाउ टेल मी व्हाई वी हैव सलाइन लेक्स इन हिमालयस, व्हाई वी हैव सलाइन लेक्स, ब्रैकिश वाटर लेक है ना, सलाइन लेक्स है, क्यों? ओके, तब का पानी अभी भी मौजूद है उधर ना, और सर लाइम जो स्टोन ये सारी चीजें मिनरल कंपोजिशन, बताइए बताइए, बहुत इजी है। लिखने में ज्यादा फोकस है, वाई द लेक्स इन हिमालय, हाँ लिख लो, नहीं आपका हक है लिख लो, हाँ जी बोलिए। अच्छा एक बात बताओ, जो मैं आप पूछ रहे थे वो क्वेश्चन की, जो ऊपर जाते हैं प्रेशर कम होते जाता है, ठीक है, कई बार तो खाना बनाने में दिक्कत होती है उधर,
वो पूछा था ना कि हिमालय में ऊपर जाते हैं तो फिर वो हाइट कम, टेम्परेचर क्यों कम, समथिंग हीट क्यों कम हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आप खाना बनाते हो हिमालय में ऊपर तो वो देर में पकता है क्यों? वो तो बचपन में पढ़ते थे ना यार, कुकर में पकाएंगे उसी पकाएंगे तो कुछ तो होगा, क्यों नहीं पढ़ा? हाँ ऐसा, अच्छा अरे मैं ये बता रहा हूँ पक तो जाएगा ही भाई, आग लगाओगे तो पकेगा ही 2-3 दिन में। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी देर में पक जाता है, आधे घंटे में खाना बना के निकल लेती है, उधर कितनी देर लगता है पकने में? अगर आपको 2 आलू पकाना है, एक आपने बर्तन में रखा और नीचे आग लगाई, तो इधर तो थोड़ी देर में पक जाएगा। स्कूल में मतलब किया क्या है? मुझे अभी भी याद है, उन्हें बस 9th क्लास, तो जो मेरी भाभी हैं वो तैयारी करती थी। क्यों नहीं याद रहेगा यार, तब ऐसा क्या कौन सा कांड कर दिया कि भूल गए सब? आदमी तो वही हो ना, पहले भी तो आयुष्मान थे, अभी भी आयुष्मान हो, ठीक है। तो वो है, जब पहले भी पापा मम्मी पहचान जाते थे, अभी पहचान रहे ना क्या दिक्कत है? तो भाभी जो होती थी तो वो पेपर देती थी, तैयारी करती थी, तो प्रीलिम्स का पेपर पास करके, मतलब उन्होंने पेपर लेके आए थे तो मैं देखा था, तो एक क्वेश्चन था उसमें, उसमें ये था कि फ्रेश वाटर में तैरना आसान है या सलाइन वाटर में, ठीक है। फिर उसका रीजन लिखा हुआ था 3। हाँ क्यों? डेंसिटी कम होती, ज्यादा होती है, हाँ ठीक है। तो ये सारी चीजें ठीक है ना, तो अब ये किसी और साइंस का जरूरत नहीं है, तो एनसीईआरटी में था उस समय, 8th 9th में क्वेश्चन में था ना। सिमिलरली ये वाले भी क्वेश्चन उसी में होते हैं, बिकॉज ऑफ प्रेशर इज दिस। ऑक्सीजन का भी हेल्प करता है क्या कि खाना बनाने में? नहीं, आग उधर भी लगता है, आग लगा दिया था मैंने पहले ही, तभी तो खाना पका रहे थे। हाँ तो उधर प्रेशर जब कम होगा, जब प्रेशर कम होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, ठीक है। इवेपोरेशन ज्यादा होगा, खाना कम पकेगा, वाटर ज्यादा इवेपोरेट होगा। अगर आप पूरा ऐसे भर देते हो, उसमें आलू डाल देते हो, अंडा डालते हो, बॉयल करते हो, तो उसमें देखते हो ना पूरा अंडा डूबा कि नहीं पानी में, तभी तो नीचे आग लगाते हो, अदरवाइज आधा आधा अंडा डुबा दिया तो नहीं। तो उधर क्या होगा कि इधर अंडा पक जाएगा, उधर वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, प्रेशर कम है वह एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो जो हमारा लेक्स होता है हिमालय में, हिमालय में लेक्स है ऐसे करके है, बट यहां से जो प्रेशर लगता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कि नहीं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर द इवेपोरेशन इज लेस। अगर हम इस प्रेशर को कम कर दे तो हमारा इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगा, जब इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगा तो सॉल्ट यहां रह जाएगा, वाटर ऊपर जाएगा, तो सैलाइन हो जाएगा कि नहीं? तो सैलिनिटी ऑफ लेक्स इन हिमालय, ठीक है, इज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव इवेपोरेशन, लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इसकी वजह से होता है। इट्स नॉट दैट कि हिमालय जब उठा था तो मरीन वाटर पहुंच गया उधर, नहीं। हाँ नहीं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं मेरे फैमिली में इसलिए। अरे वो यार जब खोपड़ी में पेपर रख दोगे तो दिखेगा नहीं, अभी मैं गुस्सा करता हूं क्यों दिखाया था ये आप रीजन लिख लेना, वेटलैंड्स होल्ड लार्ज रिजर्व्स ऑफ कार्बन, क्लाइमेट चेंज प्रोसेसेस हैव कॉज चेंजेस इन रेनफॉल पैटर्न, रिसेशन ऑफ ग्लेशियर्स, लॉस ऑफ स्नो वाटर, स्नो कवर एंड स्कार्सिटी ऑफ वाटर, चेंज इन कल्टीवेशन पैटर्न, ब्रिंगिंग हिमालयन अर्थ इको अर्थ सिस्टम टू अ क्रिटिकल स्टेज दैट नेसेसिटेट इंटरवेंशन फॉर इट्स प्रोटेक्शन। सो दिस पैराग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पैराग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से रट लेना, इसको आप कभी भी यूज कर सकते हो।
जैसे आप इस बार पूछ रहे हैं हिमालयन इकोसिस्टम, ठीक है, अगर मैंस इंपैक्ट अगर पूछ दे हिमालय में, तो अगेन यू कैन पुट दिस ब्यूटीफुल पैराग्राफ, इसको रट लेना. सो इंस्टीट्यूट्स लाइक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, इसरो एंड वेरियस रिसर्च यूनिवर्सिटीज नीड टू कोऑर्डिनेट टू एंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स मैन पावर इन फील्ड ऑफ ग्लेशियोलॉजी. ये टर्म्स अगर आप यूज करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा. जैसे आप इधर देखो कीवर्ड्स बहुत सारे होंगे, स्नो कैप्ड माउंटेन्स, परमा फ्रॉस्ट जो कीवर्ड है ये यूज करना है. ऊपर आपने क्रायोस्फीयर सिस्टम, हाइड्रोलॉजिकल रिजीम और ये सारी चीजें, माउंटेन इकोसिस्टम, ये कीवर्ड्स आपको यूज करना है. हाँ भैया क्या हुआ? नहीं नहीं ये जनरल टर्म है, ये आपको लग रहा है कि बहुत बड़े हैं बट ये जनरल टर्म, हाइड्रोलॉजी जनरल टर्म है, बचपन में पढ़े थे, इधर उधर वाटर घूम रहा था, ये क्रायोस्फीयर जनरल टर्म आपके उसमें भी लिखा हुआ है, जीसी लियोंग में भी क्रायोस्फीयर. नेक्स्ट, नीड कोऑर्डिनेशन अमंग हिमालयन कंट्रीज, तो इसका एग्जांपल दे सकते हो, नेपाल, चाइना, सॉरी पाकिस्तान, चाइना एंड इंडिया जो अभी हुआ, अदरवाइज वी आल्सो कोऑर्डिनेट विद नेपाल, भूटान एंड इंडिया. नेपाल, भूटान, इंडिया टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी इन कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है ना उधर, तो उसके बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए वी आल्सो कोऑर्डिनेट विद द नेपाल भूटान कंट्रीज, तो उसका भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो. नेक्स्ट, नीड टू अंडरस्टैंड द कपलिंग बिटवीन इकोसिस्टम एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारी क्लाइमेटिक वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जो कल बताया था मैंने क्लाइमेटिक वेलोसिटी किस तरीके से ज़्यादा होगी. सो हिमालयन इकोसिस्टम इज वाइटल टू द इकोलॉजिकल सिक्योरिटी ऑफ इंडियन लैंड मास एंड इट इज हाईली वल्नरेबल टू इम्पैक्ट्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक इमिशंस एंड डेवलपमेंटल पैराडाइम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी. यूज द वर्ड पैराडाइम बिकॉज एज ऑफ नाउ वी आर लिविंग इन पैराडाइम ऑफ वेलफेयर जियोग्राफी और वेलफेयर काइंड ऑफ अप्रोच इन डेवलपमेंट एंड ऑल्सो इन्वायरमेंटलिज्म वेयर वी गो फॉर द मोर सेटिस्फाइंग इन्वायरमेंटल कंसर्न्स एंड कंप्रोमाइजिंग डेवलपमेंट मैनी ए टाइम्स, ठीक है. सो अभी देखो एरे प्रोटेस्ट है ना, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म, ठीक है, मोर कंसर्न अबाउट इन्वायरमेंट. क्लाइमेट चेंज का प्रोटेस्ट होता है, अभी आपने देखा होगा कि एक लड़की ने रोते हुए सारे वर्ल्ड लीडर्स को लताड़ा था, ठीक है, तो दैट इज अगेन एग्जांपल ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म, ठीक है. एंड वेलफेयर पॉलिटिक्स और वेलफेयर जो अप्रोच है दैट इज मोर फोकसिंग ऑन राइट बेस्ड अप्रोच, यू कैन सी राइट टू वर्क, मनरेगा, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, एंड राइट टू लेट्स सी इंफॉर्मेशन, सो दिस इज अगेन मूविंग टूवर्ड्स योर वेलफेयर. जैसे कि राइट टू हाउस, सबके घर में एक एक घर होगा 2022 में, होगा कि नहीं, राइट टू वाटर, ठीक है, ये सारे सबके 2024 में सबके घर में पाइप से होगा. जैसे एज ऑफ नाउ 72% ऑफ अर्बन एरिया हैव एक्सेस टू पाइप्ड वाटर एंड 30% इन रूरल एरिया, तो बाई 2024 सबके घर में पाइप होगा, नल से जल, वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. हाँ, ट्रैप्स होते हैं ना उसके अंदर, जैसे अभी बीमारियां आ रही ना भाई, नई नई माची का वायरस जाने कौन कौन सा आ रही, ठीक है. सो प्रीवियसली जो हमारी डिजीजेस थी जो इलिमिनेट हो गए थे, मैनी वायरसेस गॉट ट्रैप्ड इन ग्लेशियर्स, तो हमारे बहुत सारे ग्लेशिएशन, डी ग्लेशिएशन फेजेज हुआ ना हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, बहुत सारे फेजेज हुए, तो बहुत सारे वायरसेस थे जो ग्लेशियर के अंदर ट्रैप्ड थे, और ग्लेशियर मतलब लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, तो उनको उनका जो लाइफ फॉर्म है वो प्रिजर्व रहा. अभी जब मेल्ट हो रहे हैं तो दोज वायरसेज आर कमिंग आउट, ठीक है, कॉजिंग डिजीजेस, समझ रहे, तो एक एग्जाम्पल आप उसमें लिख सकते हो.
फॉरेस्ट में होता है, ओशन में होता है। क्यूटो इक्वाडोर, उसका जो बेस है दैट इज इक्वेटर पे है, उसका हाइट है, वहां पे स्नोफॉल होता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो अगर ट्रॉपिकल रीजन है तो वहां पे ग्लेशियर्स नहीं होगा, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द प्लेस। ठीक है, अल्टीट्यूड मिमिक्स लैटीट्यूड, बताया ना, ऊपर जब जाते हैं तो 6.5 से टेम्परेचर कम होते जाता है। और ऐसा नहीं है कि जो 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 डिजीज उधर होगी नॉर्थ में निकलेगी उधर इंपैक्ट नहीं कर सकती है, विंड से आ सकते हैं। जैसे यूकेलिप्टस है इंडिया में, इंडिया का ओरिजिन नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का है, तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। क्या पूछ रहे थे आप? क्योटो, अरे नहीं पता होगा, हाँ वही होगा तो, क्योंकि वो इक्वेटर में इतना ऊपर है, स्नो को आप पूरा सुना। अब यहाँ पर लिख सकते हैं ये वर्ड पैराडाइम वगैरह, पैराडाइम समझ में आया? वी आर लिविंग इन पैराडाइम ऑफ वेलफेयरिज्म एंड इन्वायरमेंटलिज्म। सो इन्वायरमेंटलिज्म आर टू टाइप्स, ये भी जान लो, वन इज इंटरवेंशनिस्ट एंड सेकेंड इज एकोमोडेशनिस्ट। ठीक है, एंड थर्ड इज गायनिज्म, गायनिज्म। फोर्थ इज मार्क्सिज्म, ये भी एक एक पार्ट उसमें डाल सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ वी प्रिफर मोर ऑन एकोमोडेशन एंड इंटरवेंशन। ठीक है, इंटरवेंशन में क्या करता है, हमारा कुछ क्लाइमेट चेंज हुआ, हमने टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको काउंटर करने की कोशिश करी। एकोमोडेशन में वी लिव विद द इकोसिस्टम। गायनिज्म में क्या होता है, वी ट्राई टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी इटसेल्फ। जैसे कि नक्सलिज्म, नक्सलिज्म बोलता है कि व्हाट एवर द प्रॉब्लम वी हैव इज बिकॉज ऑफ स्टेट स्ट्रक्चर। हमारा पेड़ कट रहा है, हमारा माइनिंग हो रही है, हमारा पोल्यूशन हो रहा है, इज बिकॉज ऑफ स्टेट स्ट्रक्चर, वी वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म दैट। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो वी आर लिविंग इन एनवायरमेंटल पैराडाइम एंड वेलफेयर पैराडाइम। इस तरीके का डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू राइट द एसे एंड सम डेवलपमेंटल डिबेट। ठीक है, वहां पर सो डेवलपमेंट वर्सेज एनवायरमेंट नेक्स्ट टॉपिक। इसमें क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन इसके लिख लीजिए हिमालय वाले, व्हाट इज क्रायोस्फीयर, ये लिख लो पहले तो, व्हाट इज क्रायोस्फीयर, व्हाट इज क्रायोस्फीयर, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई क्रायोस्फीयर रीजन्स इन इंडिया, क्रायोस्फीयर रीजन्स इन इंडिया। रीजन्स इन इंडिया, सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लेशियर मेल्टिंग ऑन रिवर सिस्टम इन इंडिया, ऑन रिवर सिस्टम इन इंडिया। रिवर सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ रिवर सिस्टम इन इंडिया। हाउ, नेक्स्ट नेक्स्ट, हाउ 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 टेम्परेचर इंक्रीज और ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज कैन डिस्ट्रॉय द माउंटेन इकोसिस्टम्स, माउंटेन इकोसिस्टम्स, माउंटेन इकोसिस्टम। साइकिल तो कहीं भी बना सकते हो, यूनिवर्सल है वो, यूज कर सकते हो कहीं पे। नेक्स्ट, तो अगर ग्लोबल वार्मिंग पे आए तब भी यूज करना है, आर्कटिक पे आए तब भी यूज करना है, अंटार्कटिक पे आए तब भी यूज करना है। ठीक है, या आ जाए ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट तो भी यूज करना है उसे, तो सब बहुत सारे जो पोटेंशियल बहुत ज्यादा है यूज करने का। नेक्स्ट,
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय, इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय फॉर इंडियन क्लाइमेट, फॉर इंडियन क्लाइमेट, इंडियन क्लाइमेट डिस्कस 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 रोल ऑफ क्रायोस्फियर, रोल ऑफ क्रायोस्फियर इन प्रिजर्विंग प्रिजर्विंग इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी, इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ हिमालय, ऑफ हिमालय राइट द ह्यूमन इंपैक्ट ऑन राइट राइट अबाउट ह्यूमन इंपैक्ट ऑन, ह्यूमन इंपैक्ट ऑन हिमालयन इकोसिस्टम, हिमालयन इकोसिस्टम तो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन वगैरह आ जाएगा, ठीक है, स्लोप मॉडिफिकेशन, लैंडस्लाइड्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी, टूरिज्म, अनसस्टेनेबल टूरिज्म, ये सारी चीजें आ जाएंगी, सैफ्रॉन कल्टीवेशन, ये सब डाल देना वहां पर, ठीक है, टूरिज्म ये सब। हाँ ये लिखेंगे उसमें जो सीजनल जो वाटर वेरिएशन है, जो रिजीम है रिवर का वो चेंज हो सकता है, रिवर रिजीम से पहले अगर ग्लेशियर मेल्ट करने लग जाएंगे तो विल एक्सपीरियंस द फ्लड, बट आफ्टर सम टाइम द ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे तो रिवर का जो पेरेनियल करेक्टर है वो डैमेज हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अगेन अगर अगर वाटर का लोड ज्यादा हो जाता है रिवर में, एज ऑफ नाउ अगर ग्लेशियर का मेल्टिंग का स्पीड ज्यादा हो जाएगा तो वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, जब वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी तो अगेन द इरोसिव कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगा, जब इरोसिव कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगा तो जो जो लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिविटी है उसमें सिल्ट ज़्यादा होगा कि नहीं, ठीक है, जो हमारा थालवेग होता है, जो रिवर चैनल होता है वो उसका जो मॉर्फोलॉजी है वो चेंज हो जाएगा। हाँ ये तो लोअर लोअर लेवल पे है, लोअर लोअर जो स्ट्रीम है उसका उसमें फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो, तो ये सारे वर्ड्स उसमें यूज कर सकते हो। केसर केसर केमिकल वगैरह यूज करते हैं ना, तो वो फिर हमारी बायोडाइवर्सिटी को डैमेज करेगा, जहां पर एग्रीकल्चर केमिकल और अच्छा अगर यूज करना है टर्म तो एग्रो केमिकल्स लिख दिया करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आया जैसे इस बार आया था माउंटेन इकोसिस्टम का, तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है उसके लिए, तो वहां पर अगर आप यूज कर सकते हो, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम आता है तो उसको, या माउंटेन इकोसिस्टम तो वो यूज कर सकते हो। यहाँ पर ऐसे करके डायग्राम बनाओ, यहाँ पर दिखाओ वेस्टर्न घाट्स, ये पढ़ाया नहीं ना मैंने, बनाया कैसे बना वो मैंने बताया है, बट इकोसिस्टम नहीं पढ़ाया ना इसका। यहाँ पर एक प्लेस दिखाओ नीलगिरी, ठीक है, हाँ यहाँ पर प्लेस दिखा सकते हो कुद्रेमुख, ठीक है। अब सपोज ये प्लेस आपको नहीं पता है, ठीक है, तो ये तो पता होगा ना, यहाँ केरल है, इधर कर्नाटक है, इधर वो है, इधर गोवा है, ऐसे तो कर सकते हो ना, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो महाराष्ट्र रीजन, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो गोवा रीजन, और फिर यहाँ पे कर्नाटका, यहाँ पे केरला, ठीक है। और अगर इसको अच्छा करना है तो यहाँ पे लिख दिया करो नदन महाराष्ट्र, ठीक है, सदन पार्ट, हर जगह रीजन मत लिखो, सदन पार्ट ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे करके लिख दिया। अब ह्यूमन इंपैक्ट पूछ रहा है तो पहला एग्रीकल्चर, ठीक है, अब एग्रीकल्चर में अगर ज्योग्राफी में आया, एनवायरमेंट में आया, तो आपको ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव डालना पड़ेगा कि नहीं, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव यहाँ पर डालोगे तो आप सीधे लिखोगे इन द रीजन अराउंड नीलगिरी, द रीजन अराउंड नीलगिरी द कल्टीवेशन ऑफ टी एंड कॉफी नाउ कॉज डिफॉरेस्टेशन इन द रीजन एंड ऑल्सो एग्रो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज डिक्रीज द बायोडाइवर्सिटी,
एंड डैमेज द सॉइल इन द सिस्टम। आप लिख सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल माइनिंग। अब आपको पता होना चाहिए इधर माइनिंग कहाँ होता है, ठीक है? माइनिंग हैपेंस इन गोवा एंड कुद्रेमुख। आयरन, आयरन माइनिंग होता है, ठीक है? तो यहाँ पे वो दो प्लेस हाईलाइट करो। द इंटेंसिव आयरन माइनिंग नियर कुद्रेमुख रीजन, कुद्रेमुख रीजन एंड अराउंड गोवा रीजन नाउ डैमेजिंग द इकोलॉजी ऑफ दिस वेस्टर्न घाट, ठीक है? एंड कॉजिंग थ्रेट टू द वाटर बॉडीज एज। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट वन, आप एग्जाम्पल दूसरे दूसरे इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल ला सकते हो। यहाँ तो माइनिंग का था, इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल ला सकते हो। फिर टूरिज्म का एग्जाम्पल, इंडस्ट्रीज का पेप्सिको का एग्जाम्पल डाल सकते हो। अभी भी केस चल रहा है। नाउ देन यू कैन यूज टूरिज्म, टूरिज्म यूज कर सकते हो। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप थर्मल पावर प्लांट डाल सकते हो, ठीक है? ये सारी चीजें डाल सकते हो। एंड अदर थिंग इज यू कैन रोड कंस्ट्रक्शन, स्लोप मॉडिफिकेशन, ये सारी चीजें डाल सकते हो। नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स यू कैन यूज, 5, 6, 7। हाँ, तो अच्छा आंसर कर सकते हो। कर सकते हैं। हाँ, तो और क्या पूछना है वो आंसर देख लीजिए, उसके क्वेश्चन देख लीजिए। कुछ नहीं आ रहा तो जल्दी जल्दी, अभी टॉपिक बहुत। आज भी क्लास है क्या उसका ऑप्शन का? इसके बाद रोज होता है 5 दिन, मतलब तो आज संडे है ना, तो आज संडे है तो आज नहीं होना चाहिए ना। ओके ओके ठीक। हाँ, फ्लेक्सिबल है, कर सकते हो गया। नाउ नेक्स्ट, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट। तो पहला पूरा पैराग्राफ पढ़ो, इसको कभी भी आएगा डिफॉरेस्टेशन, टी कटिंग और अर्बन क्लाइमेट, ये पैराग्राफ डालना ही डालना है। अर्बन क्लाइमेट पे क्वेश्चन आए, या अर्बन डिफॉरेस्टेशन पे क्वेश्चन आए, या ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन अर्बन क्लाइमेट पे क्वेश्चन आए, इसको डालना ही डालना। या अर्बन डेवलपमेंट एनवायरमेंट समथिंग, सम काइंड ऑफ डिबेट पे क्वेश्चन आए तो इसको भी डालना है। बिटवीन 2008 एंड 2017 नियरली 20,000 ट्रीज वर कट इन बेंगलुरु टू मेक वे फॉर फ्लाईओवर्स, रोड वाइडनिंग एंड अदर प्रोजेक्ट्स। In Gurugram in 2017 alone, about 10,000 trees were cut. 10,000 trees were cut. Recently, in 2019, there was a huge protest in Array, Mumbai against the cutting the trees. ठीक है, ये कर सकते आप, इसको याद रखना और जहां भी आए तो डालना है, ठीक है? Now the issues of environment is becoming increasingly clear that without good environment, good development is impossible. And for good development, first requirement is to have healthy environment. ठीक है, ये आप डाल सकते हैं। थर्ड वन, ट्रीज आर द फर्स्ट लिंक बिटवीन नेचुरल वर्ल्ड एंड मटीरियल वर्ल्ड, ठीक है? नेचुरल वर्ल्ड एंड मटीरियल वर्ल्ड। इसमें पीछे वाले पैराग्राम देखना, एक डायग्राम बना होगा। नेचुरल एनवायरमेंट, मटीरियल वर्ल्ड, तो इसमें क्या होता है, नेचुरल और जो बीच में ट्री है तो हार्वेस्ट सोलर एनर्जी, नेचुरल एनवायरमेंट से सोलर एनर्जी, फूड बनाते हैं ट्री, एंड आल्सो सिक्वेस्टर्स CO2, ऑक्सीजन देते हैं। और जो हमारा जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है और जो एनिमल्स है, उनके लिए इकोसिस्टम सर्विसेज देते हैं, क्लाइमेट मॉडरेशन करते हैं, माइक्रो क्लाइमेट मॉडरेट करते हैं। एट द सेम टाइम दे आल्सो हेल्प इन प्रोवाइडिंग प्रोविजनिंग सर्विसेज, फ्यूल, वुड, फ्रूट्स, ये सारी चीजें होती है कि नहीं, ठीक है? तो अगेन ये डायग्राम बना सकते हो। ट्री एक्ट एज अ इंटरमीडियरी बिटवीन नेचुरल एनवायरमेंट एंड मटेरियल वर्ल्ड, ठीक है? इसमें कि हार्वेस्ट अवर सोलर एनर्जी एंड प्रोवाइड मटेरियल टू अवर मटेरियल वर्ल्ड। सो ट्रीज पर्टिकुलरली इन अर्बन एनवायरमेंट नीड टू बी प्रोटेक्टेड, and trees are important to make urban areas livable. So next, trees are home to millions of birds. Trees are home to millions of birds. अभी आपने देखा हो, रोहित शर्मा ने एक ट्वीट किया था,
नहीं देखा इस सब इन द सपोर्ट ऑफ दिस अरे प्रोटेस्ट इन मुंबई नाउ ही सेड दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड मिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड मिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स उनका मतलब था कि जो हमारी चिड़िया वगैरह रहती हैं उनका तो घर डिस्ट्रॉय कर दिया ना हमने ठीक है अगेन ये पैराग्राफ से मैच करो ट्रीज आर होम टू मिलियंस ऑफ बर्ड्स ट्री कटिंग इम्पैक्ट इकोसिस्टम सर्विसेज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एनवायरमेंटल मॉड्यूलेशन एंड माइक्रो क्लाइमेट एवरीथिंग चेंजेस ड्रास्टिकली ठीक है तो माइक्रो क्लाइमेट कई बार आप देखते होगे कि गांव साइड में ज्यादा होता है कि दोपहर में वो नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं पता है कि नहीं पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं तो उनको काफी ठंडा महसूस होता है बाहर गर्म होता है माइक्रो क्लाइमेट दैट इज मॉडिफिकेशन ठीक है मॉडरेट करता है अगेन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड दीज फॉरेस्ट रीजन आर कंसिडर्ड एज अ रेन मैग्नेट्स रेन मैग्नेट कंसिडर करते हैं तो अगेन दे हेल्प इन परकुलेशन ऑफ वाटर फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज अ सरफेस अगर यहाँ पे ट्री नहीं है रेनफॉल हो रहा है तो रेनफॉल हो रहा है तो क्या होता है सारा वाटर इधर जाता है कि नहीं कुछ वाटर परकुलेट होता है बट मोस्ट ऑफ द वाटर विल मूव हॉरिजॉन्टली एंड सम वाटर कैन गो डाउन ठीक है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज मोर देन द वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे ही तो है बट अगर हमने क्या किया इसी प्लेस में ट्रीज लगा दिया जब ट्रीज लगाओगे तो उसके रूट्स होंगे कि नहीं ठीक है अब यहां पर रेनफॉल हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारा एनहांस होगा बिकॉज दीज रूट्स एक्ट एज अ मिलियन डैम्स स्टोर द वाटर एंड परकुलेशन इंक्रीज कर देगा और इसको लगाएंगे तो अगेन सॉइल इरोजन कम होगा ये भी तो है सॉइल इरोजन कम होगा तो अगेन दिस इज द रीजन बिहाइंड वी शुड नॉट कट द ट्रीज इम्पैक्ट इकोसिस्टम सर्विसेज नाउ एनवायरमेंटल मॉड्यूलेशन एंड माइक्रो क्लाइमेट एवरीथिंग चेंजेस ड्रास्टिकली नेक्स्ट अफॉरेस्टेशन ब्रिंगिंग देम बैक इज इजी टू से बट डिफिकल्ट टू अचीव ये इसलिए बोला गया है कि जो हमारा बोलते हैं इतने पेड़ हमने लगा दिए हमने ये कर लिया वो कर लिया वो एक्चुअली करते क्या है जो हमारा अफॉरेस्टेशन होता है सपोज हमने डिफॉरेस्ट करा कट कर दिया अफकोर्स वी नीड सम काइंड ऑफ लैंड टू हैव सम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ठीक है सपोज 1000 ट्रीज हमने कट कर दिए अब कट करने के बाद हमें 1000 की जगह 2000 बनाना चाहिए कि नहीं 2000 लगाने चाहिए ठीक है तो उसके लिए हमें लैंड चाहिए ठीक है अब अगर हमने कट किया 2017 में हमें दूसरा लैंड एक्वायर करना पड़ेगा उसके अलग से पैसे लगेंगे अफकोर्स ठीक है पैसे लगेंगे कोई बात नहीं हमने लैंड एक्वायर करने में इंडिया में इतना कम्बर्सम प्रोसेस है कि उसको 5 साल लग जाते हैं ऑन एवरेज 5 साल इसके लग गए ठीक है अब जो लैंड एक्वायर किया उससे लोग डिस्प्लेस भी होंगे ठीक है अब सपोज लैंड हमने कहाँ एक्वायर किया राजस्थान में जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कम है उधर वेस्टर्न के साइड ठीक है तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हुआ ठीक है और हमने डिफॉरेस्ट किधर किया था लेट्स सी हमने डिफॉरेस्ट किया था बेंगलुरु में और इट्स एन कर्नाटका रीजन ठीक है डिफॉरेस्ट करा इधर राजस्थान में हमने ले लिया 5 साल में हमने खरीद लिया ठीक है और जो ये डिफॉरेस्टेशन होता है उसके लिए अफॉरेस्ट करने के लिए कुछ फंड एलोकेट किए जाते हैं कि इस फंड को यूज करके आपको अफॉरेस्ट करना है सपोज 20,000 करोड़ हमने खर्च करने अब 20,000 करोड़ में 19,000 करोड़ तो हमारा लैंड एक्वायर में लग गया उसको लैंड प्रिपेयर करा जाएगा डिफरेंट रेगुलेशंस होंगे अब जो यहाँ से डिस्प्लेस हुए हैं लोग उनको भी कंपनसेशन देना है सारी चीजें होंगी ठीक है अब हम अफॉरेस्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर पेड़ लगाएंगे 2000 हमने लगा दिए ठीक है 2000 लगा दिए और हमने क्या किया काउंट कर लिया लगा के और हम चले गए ठीक है सैपलिंग लगाई
काउंट करा 2000, रजिस्टर पे मेंटेन किया और चले गए। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइबिलिटी ऑफ दीज 2000 ट्री प्लांट्स? मोर्टेलिटी रेट इज वेरी हाई, 90% केसेस, जब 90 पेड़ लगाते हैं तो कहीं 4-5 जो सर्वाइव करते हैं। मोर्टेलिटी रेट हाई है, मेंटेनेंस नहीं है किसी के पास, एक बार लगा दिया ठीक है उसके बाद चले गए, कोई पानी देने वाला नहीं है ठीक है, तो मेंटेनेंस प्रॉब्लम, मोर्टेलिटी रेट इज वेरी हाई, उसको कोई काउंट नहीं करता। हम गिनते कब हैं? जब हम तुरंत प्लांट कर रहे होते हैं, सैपलिंग जब लगाते हैं तो करते हैं ठीक है। सैपलिंग जानते हो ना, छोटे छोटे, मतलब हाँ, जिसका स्टेम साइज होता है वो 1 मीटर से कम होना चाहिए ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई ना। दूसरा चीज क्या है, देयर इज अगेन वन प्रॉब्लम हियर इन कर्नाटका, वी हैव डिस्ट्रॉयड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और यू कैन से मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट इन वेस्टर्न घाट। एवरग्रीन फॉरेस्ट हमने डिस्ट्रॉय कर दिए, जिसका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, और यहाँ राजस्थान में हम सेमी एरिड क्रॉप प्लांट्स लगा रहे हैं जिसका कैनोपी कवर भी कम होगा, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी कम होगा, होगा कि नहीं? तो यू कांट एक्चुअली रिप्लेस द ओरिजिनल वन ठीक है। तो जब बोला जाता है 30,000 पेड़ हमने लगा दिए, जो भी पॉलिटिशियन बोले सब लोग पागल बना रहे हो ठीक है। वी कांट रिप्लेस द ओरिजिनल वन, द काइंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी, काइंड ऑफ इकोसिस्टम, काइंड ऑफ क्लाइमेक्स चीजें जो होती हैं उसमें, वो हम रिप्लेस नहीं कर सकते। अदर थिंग इज दैट मोर्टेलिटी रेट इज हाई बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हम उस क्लाइमेट को स्टडी नहीं करते हैं कि ये जो क्लाइमेट है, यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा, यहाँ का जो नेचुरल इकोसिस्टम है, जो वेजिटेशन यहाँ पर होनी चाहिए उसको हम स्टडी नहीं कर सकते, कितना प्रेसिपिटेशन लेवल है, किस तरीके का क्रॉप हमारा रहेगा। सबसे ज़्यादा गंदी बात क्या होती है, वो यूकेलिप्टस लगा के निकल जाते हैं क्योंकि वो कहीं भी सर्वाइव कर जाएगा। देन गवर्नमेंट केम आउट विथ नेशनल ग्रीन हाईवे पॉलिसी, नेशनल ग्रीन हाईवे पॉलिसी, कि हाईवे के किनारे किनारे लगाएंगे। अभी आप कहीं पर चले जाओ, हाईवे के किनारे किनारे मिलता है? हाँ, यहाँ तो मिलेगा बिकॉज दीज आर प्राइवेटली मैनेज ठीक है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट उधर जाके लगा रही है। किनारे किनारे वो छोटे छोटे पेड़ लगे होते हैं, बीच में लगा होता है, उसमें पानी घूमता रहता है टैंकर लेके, तो ये सारी चीजें होती हैं, बट मोर आर लेस अगेन डिस्ट्रॉय। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है बहुत, समझ गए इतना? तो जब भी ये पेड़ का नंबर बताए तो वो ये वाले नंबर बता रहे, ये पेड़ तब तैयार होंगे 20 साल बाद, उसका सलूशन भी बताते हैं ठीक है। नेक्स्ट, कटिंग ट्रीज शुड बी द लास्ट ऑप्शन ओनली व्हेन इट इज अनअवॉइडेबल। यू एक्सप्लोर एवरीथिंग, अल्टरनेट रूट्स, ये एक केस स्टडी में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, अल्टरनेट रूट्स आप आइडेंटिफाई करो। अगर रोड को लेट्स सी आपको चौड़ा करना है, वाइड करना है, तो रोड को अगर वाइड करते हो तो क्यों करते हो? टू मैनेज द ट्रैफिक, ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए। अगर ट्रैफिक को मैनेज ही करना है तो व्हाई वी आर नॉट प्रमोटिंग मास ट्रांसपोर्टेशन? मास ट्रांसपोर्टेशन हम प्रमोट कर सकते हैं, उससे हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये कर सकते हैं कि नहीं? हम राइड शेयरिंग कर सकते हैं, क्यों क्यों इकोनॉमी म्यूट होगी? मेट्रो का कितना अच्छा सक्सेस स्टोरी है। अरे इनफैक्ट इट विल इंक्रीज द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। हमारा फॉसिल फ्यूल कम होगा, पोल्यूशन कम होगा, जब हमारा कंजेशन कम होगा, जब कंजेशन कम होगा तो आवर प्रोडक्टिविटी इज मोर, हमारा टाइम बचेगा। किस
क्या लैप्स होगा, सबकी अपनी अपनी गाड़ियां हैं। टैक्स किस फील्ड में? टैक्स टैक्सी वगैरह वो, अरे उनकी बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही जो पर्सनल व्हीकल्स होते हैं, ताऊ जी का अलग, ताई जी का अलग, बेटे का अलग, मम्मी का अलग, पापा का अलग, सबके अपने अपने गाड़ियां हैं, ये इनकी बात हो रही है। ठीक है, वो टैक्सी तो रहेगी ही रहेगी। अगर मास ट्रांसपोर्ट आप अगर आप प्रमोट कर रहे हो तो टैक्सी को ज़्यादा फायदा होगा। ऐसा तो है ना कि घर के बाहर मेट्रो का दरवाजा है, वो कहीं से तो चल के आएगा ना, तो फिर वो बैटरी वाले रिक्शे पे हम बैठा सकते हैं उसको। ये सारी चीज क्या जो हम TOD कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ये हम प्लान बना सकते हैं। ठीक है, सेव नेक्स्ट पॉइंट, सेव ट्रीज विद रीडिजाइनिंग अर्बन डेवलपमेंटल प्लान्स। ठीक है, अब सपोज हमारा ये अर्बन एरिया है एंड दिस एरिया सपोज गॉट गुड फॉरेस्ट, दिस एरिया अगेन गॉट गुड फॉरेस्ट, और हमें यहाँ पर एक कंपनी है, यहाँ पर एक लोकेलिटी है और यहाँ पर एक लोकेलिटी है। ठीक है, अब दोनों को अगर जोड़ना है तो हम ऐसे थोड़ी जाएंगे, बट द प्रॉब्लम इज अगर हम ऐसे जाएंगे तो हमारा पैसा बचेगा, डिस्टेंस कम हो जाएगी, यही तो डिस्टेंस कम हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम लगेगा, सारी चीज़ें होंगी, बट हमें क्या करना है, ऐसे जाना है। ठीक है, रीडिजाइन द अर्बन डेवलपमेंटल प्लान्स, समझ गए? क्यों? क्योंकि अगर एनवायरनमेंट है तो डेवलपमेंट है, अगर एनवायरनमेंट नहीं है तो जितना भी डेवलपमेंट कर लो वो डिस्ट्रॉय होगा एक दिन। एग्जांपल देता हूँ, आजकल आप लोग देखते हो बहुत सारा डस्ट स्टॉर्म रहता है, गर्मियों में देखते हो धूल ही धूल दिखता है हर से चारों तरफ, वो क्यों होता है? सॉइल इरोजन हो रहा है। और देखो अब बताता हूँ, ये छोटी छोटी चीजें जाननी आपको, इधर ऐसे करके इंडिया है ना, यहाँ पर दिल्ली है, इधर भी गॉट द अरावली, दिल्ली यहाँ पर है, अरावली है कि नहीं, यहाँ पर हमारा डेजर्ट रीजन है, हमने क्या किया इसको डिस्ट्रॉय किया, डिफॉरेस्टेड। ठीक है, माइनिंग, कॉपर माइनिंग है, बिल्डिंग मटेरियल्स, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सबको गिट्टी चाहिए, गिट्टी कहाँ से आएगा, यहाँ से हम पत्थर निकालेंगे उसे क्रश करेंगे। ठीक है, तो नाउ इन मैनी प्लेसेस इन अरावली वी हैव क्रिएटेड इन्वर्टेड स्ट्रक्चर्स। इन्वर्टेड स्ट्रक्चर जानते हो, ये ऐसे करके सपोज हमारा माउंटेन था, ये हमारा सरफेस था, हमने इतना इसको तोड़ा, इतना इसको तोड़ा कि नाउ इट हैज बिकम लाइक दिस, जिसका हाइट था वो अब डेप्थ बन गया। ठीक है, सो द डेजर्ट रीजन इज नाउ इनक्रोचिंग अपॉन दिस एरिया, विंड्स जो इधर से आ रहे हैं वो हमारा जो इधर का सैंड है वो यहाँ पर लेके आ रहा है, एंड दिस इज इकोलॉजिकल डेप्थ। कितना भी डेवलप कर लें हमारा यहाँ का लैंड जो है वो धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट होगा कि नहीं? अभी आपने प्राइम मिनिस्टर का स्पीच भी सुना होगा और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन हुआ ना इंडिया में, ठीक है, उसमें हाईलाइट भी किया गया कि इन इंडिया डेजर्टिफिकेशन इज इंक्रीज, डेजर्टिफिकेशन इंक्रीज हो रहा है हमारे देश में। तो नंबर ऑफ मिलियन हेक्टेयर्स नाउ इंक्रीजिंग, और MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, देयर इज अ केस, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट व्हाटएवर द टूरिज्म स्ट्रक्चर्स वी हैव डेवलप्ड ऑन अरावली हिल्स डिसमेंटल करो उसको। ठीक है, अब ये हरियाणा रीजन है ना, फरीदाबाद, गुड़गांव, ये सारी चीजें, हाँ, अब यहाँ पर क्या होता है कि अर्बनाइजेशन, जब अर्बनाइजेशन हुआ तो हमारा क्या हुआ, लैंड कॉस्ट बढ़ा, डेढ़ डेढ़ करोड़ के छोटे छोटे प्लॉट्स बिक रहे। ठीक है, तो उनको बेच करके पैसे आए, उनको क्या करना,
कोई जा रहा है रिसोर्ट बना रहा है यहाँ पर, कोई फार्म हाउस बना रहा है। ऐसे ऐसे हैं लोग जिनके घर नहीं होता, घर बनना शुरू नहीं हुआ, पहले ही 10 AC खरीद कर रख देते हैं। क्यों? स्टेटस, उसके घर में 3 AC है, मैं 5 लगाऊंगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने कमा के, उन्होंने पापा की जमीन थी उसको बेचा और पैसा लाए। और फिर बच्चे जो है ना बुलेट खरीदते हैं उसमें और नॉकिंग करवा लेते हैं, फट 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 बोलती है, फिर उसको लेके घूमते हैं, मस्त होता है कि नहीं? तो ये समझ में आया आपको कि डिफॉरेस्टेशन का दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, हाउ डिफॉरेस्टेशन कैन इम्पैक्ट द डेवलपमेंट। ठीक है, ये एग्जाम्पल कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे क्वेश्चन 2015 में आया था, व्हाट इज द रीजन फॉर हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन इन दिल्ली एज कंपेयर टू मुंबई एंड कोलकाता। ठीक है, सिमिलरली दे कैन ऑल्सो आस्क व्हाट इज द रीजन फॉर हाई लेवल ऑफ डस्ट स्टॉर्म इन दिल्ली रीजन और नेशनल कैपिटल रीजन। हो सकते हैं इस तरीके क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा अच्छा जल्दी जल्दी कर यार, आई हैव टू लीव 1 o'clock। सुबह टाइम से क्लास करेंगे और टाइम पे छोड़ेंगे, ठीक है? अभी भी बाद में फिर वो क्लास होती है ऑप्शनल की, तो उसमें फिर प्रॉब्लम होती है बच्चों को। जिस दिन नहीं होगी उस दिन फिर ज़्यादा देर तक पढ़ेंगे, ठीक है? तो जिस दिन नहीं होगा तो बता देना आप, मंडे ट्यूजडे। तो मंडे ट्यूजडे फिर टेस्ट भी होगा, फिर तो टेस्ट भी कर सकते हैं क्लास में। हाँ कल ही मंडे है, कल के मंडे में। हाँ क्लास में नहीं, क्लास के बाद 1:15 बजे। रोड वाइडनिंग कॉस्ट ट्री फिलिंग, रोड वाइडनिंग इज नीडेड टू मैनेज द ट्रैफिक, सो वन वे इज टू सेव ट्रैफिक, सेव ट्रीज इज टू प्रमोट मास ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, कहीं ना कहीं से रिलेट करके क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसी साल आया था, आई थिंक पेपर फर्स्ट में था कि पेपर थर्ड में था, मास ट्रांसपोर्टेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन सिटीज, पेपर थर्ड में था ना? हाँ पेपर थर्ड में होगा। तो अगेन ये सब कहीं ना कहीं से तो रिलेटेड है ना, मास ट्रांसपोर्टेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें निगेटिव नहीं लिख सकते हो, ध्यान रखना, मास ट्रांसपोर्टेशन पॉजिटिव फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ऐसे करके डालना। इस वन आर्गुमेंट में भी कि हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर डाउन करेगा, इनवैलिड आर्गुमेंट। ठीक है, हम ऑटोमोबाइल तो खरीद के रख लेते हैं, इतनी सारी गाड़ियां हो गई, अबाउट 1 लाख गाड़ियां हैं NCR रीजन में जो रोड रोज जो रोज जो है ना रोड को हिट करते हैं, सुबह रोज निकलती है अपने घर से, और इतना कंजेशन होता है, इतना पोल्यूशन होता है, उसके साथ साथ इतना फॉसिल फ्यूल बर्न करता है कि जो हमारा जो एडवांटेज होता है नंबर ऑफ डिमांड इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, और जो हमारा डिसएडवांटेज होता है इंपोर्ट ऑफ ऑयल, तो दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, सो इंटीग्रेटेड अप्रोच इज नीडेड टू बैलेंस द डेवलपमेंट विद एनवायरमेंट, ऑल स्टेक होल्डर मस्ट बी टेकन ऑन बोर्ड, गवर्नमेंट, सोसाइटी, ठीक है, और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ग्रुप्स होते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ग्रुप्स होते हैं, वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, और हर एक प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, इस प्रोजेक्ट से इन्वायरमेंट में क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो फिर हम इसके अल्टरनेटिव्स क्या क्या, कैसे हम इस प्रोजेक्ट को कहीं से डाइवर्ट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रेडियंट ऑफ डेवलपमेंट इज द एनवायरमेंट, एंड एनवायरमेंट शुड बी गिवन वेरी रिस्पेक्टेबल पोजिशन इन द डेवलपमेंट। ठीक है, इफ वी इग्नोर एनवायरमेंट इन डेवलपमेंट देन डेवलपमेंट लूजेज इट्स मीनिंग। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिफ्यूज अक्रॉस मैनी अथॉरिटीज।
मेट्रो डेवलपमेंट, ठीक है, अगेन डिफरेंट अथॉरिटी, ट्रांसपोर्टेशन डिफरेंट अथॉरिटी, ठीक है, द सेम टाइम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिफरेंट अथॉरिटी, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी डिफरेंट अथॉरिटी, समटाइम्स डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट सेंटर, देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड ऑल्सो एमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है. So there is a lack of implementation of laws related with forest conservation and also with the afforestation implement नहीं होता ढंग से, ठीक है. आपने देखा यहाँ पर mortality rate ज्यादा है, कोई count नहीं कर रहा है उसको. और यहाँ पर level of afforestation उससे भी judge किया जाता है कि हमने कितने पैसे खर्च किए. हम इससे नहीं देखते हैं कि हमारे कितने survive किए और कितने अभी mature trees है हमारे पास, ठीक है. या तो हम स्टार्टिंग में इतने प्लांट्स लगा दिए, दैट्स इट, या फिर हम इतने पैसे खर्च कर दिए, उसी से हम मेजर करते हैं. या फिर इससे दूसरे से क्या करते हैं, हमने 10 हेक्टेयर ट्रीज डिस्ट्रॉय किए, हमने 10 हेक्टेयर कहीं पर प्लांट कर दिए, इससे मेजर किया जाता है. बट एक्चुअल सर्वाइवल रेट से मेजर नहीं किया जाता, मैच्योर जो ट्रीज होते हैं उनसे मेजर नहीं किया जाता. So your argument in case study or answer must be more biased towards environment. ध्यान रखना, more biased towards environment. Of course you have to accommodate some economic aspects there also. ठीक है, but more biased towards environment. Dust problem, dust storm around Delhi is because of erosion of forested aravallis. An eroded aravalli allowed desert to enter the Delhi region. कर सकते ये. Now city manuals and regulation should be incorporated with the environment regulations and tree conservation provisions. जो हमारे जो municipality के management होते हैं, तो ये सारे regulation उसके part होना चाहिए, तो manuals होते हैं. Other is so that we can have integrated approach. ये हो गया. So design and planning of urbanization should be according to the environment there. तो अगर अर्बन क्लाइमेट पे क्वेश्चन आ जाता है तो अगेन इसको आप एक पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो, जो आपके पास पैराग्राफ है, डेटा है, उसको आप यूज कर सकते हो. हाँ, नाउ नेक्स्ट, हाँ क्वेश्चन लिख लो. हाउ रिफॉर्म्स इन अर्बन गवर्नेंस कैन ब्रिंग बैलेंस बिटवीन कैन ब्रिंग बैलेंस बिटवीन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट बिटवीन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट Next, write a note on urban climate and discuss recent events damaging urban environment. अब recent events में क्या डालोगे? और अरे वो consequence है लोगों का, इसमें क्या है? क्वेश्चन पढ़ो पूरा पढ़ो. हाँ, रिसेंट इवेंट्स डैमेजिंग अर्बन क्लाइमेट. आप केरला फ्लड डाल रहे हो, अर्बन एनवायरमेंट, यही तो दिक्कत है. आते जाते भी गलत कर दोगे. अभी अरे बताया तो क्या दिक्कत है उसमें? ध्यान रखना उसमें क्या लिखा हुआ है. डिस्कस द रिसेंट इवेंट डैमेजिंग अर्बन एनवायरमेंट, ठीक है. रिसेंट इवेंट मतलब ट्री कटिंग,
अभी भी फिर भी 13-14 हज़ार ट्री कट गए ना, ठीक है। रिसेंट इवेंट्स डैमेजिंग अर्बन क्लाइमेट, ठीक है। अब इसमें जो अगर केरला फ्लड डालोगे, दैट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इवेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट्स, हमने फ्लड कर लिया, दैट इज द कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। और अर्बन क्लाइमेट एट द सेम टाइम, दूसरा आप डालोगे, आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ाया था मैंने कि बेंगलुरु में आज से जो अराउंड 1950s वी हैड 650 लेक्स, ऐसे था, बट एज ऑफ नाउ ओनली वी हैव 10 सच हेल्दी लेक्स। ये डाल सकते हो, चेन्नई में भी लेक में इंक्रोचमेंट का एग्जांपल डाल सकते हो। ये दीज आर द रीसेंट इवेंट्स। हाँ, वो भी कर सकते हो, रोड बन रहा है, वाइडनिंग कर रहे हैं। ये अब आप देखो, यहाँ पर अर्बन एनवायरमेंट पूछा है, वो आप गांधीपुर कर रहे हो, वहां कौन सा सिटी, गलत करोगे कि नहीं? तो फिर दिमाग को हमेशा फोकस्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना होता है, हमेशा ध्यान में रहे कि कीवर्ड क्या है, अर्बन अर्बन एनवायरमेंट। नेचुरल भी डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। इंडिया में रहो, हाँ ठीक है, ये वाला डालना है आपको, और डालोगे अर्बन एरिया नहीं है इधर, तो ये सब चीजें डालनी है, आता रहेगा आपको, बस वो डिपेंड करता है कि आपने यूटिलाइज किया कि नहीं, कि प्रैक्टिस से आएगा। सोचो अंदर अननेसेसरी चीजें, जब टीचर सामने बैठा है तब भी आप इधर उधर चीजें इंक्लूड कर रहे हो, आप ही पढ़ाया तब भी। हाँ डाल सकते हो, अर्बन पे इम्पैक्ट कर रहा है ना, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रीज, ट्रीज आर इंटीग्रल, इंटीग्रल टू एनी डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, टू एनी डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सिटीज, However, in recent developmental approaches, the meaning of स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग चेंज्ड ड्रास्टिकली, चेंज्ड ड्रास्टिकली। कमेंट कर लोगे? क्या कैसे होगा? एनवायरमेंट रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, इकोसिस्टम सर्विसेज, क्लाइमेटिक मॉडरेशन, ठीक है, वो भी तो पार्ट होता है। आप जैसे कोई घर होता है, वो देखता है कि अपना लॉन ऑन बना के रखता है, गार्डनिंग करता है, रोमेटिक प्लांट्स लगा के रखता है, ध्यान रखता है, उसमें उसमें पानी उनी डालना उसको अच्छा लगता है, ठीक है, पीस ऑफ माइंड मिलता है। कभी एनवायरमेंट के बीच में जाओ, अभी हिल एरिया में कभी घूम के आओ, 2-3 दिन रहोगे, बहुत सही लगेगा वहाँ। हाँ क्यों नहीं डाल सकते? जो रिसेंट डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग एज चेंज, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग में क्या होता है, आप अगर मेजर जो जो चीजें देखोगे तो दैट इज एसी होना चाहिए, क्वालिटी पावर होना चाहिए, गुड ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, ठीक है, फूड क्वालिटी फूड होना चाहिए, गुड इनकम होना चाहिए, ठीक है, गुड होम होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें क्वालिटी ऑफ लाइफ में आ गई। बट जो रोल ऑफ एनवायरमेंट है, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट नाउ कंप्रोमाइज्ड।
हाँ ये सारी चीजें कंप्रोमाइज हो रही है। हम क्या होता है एसी चला रहे हैं, अगेन हम इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, हम ये देखते हैं कि हम कितना बड़ा जो बम होगा दिवाली में अगर वो फोड़ेंगे तो अपना स्टेटस ज्यादा अच्छा रहेगा। लड़कों में कंपटीशन होता है ना, तू 1200 के लाए मैं 1500 के लाऊंगा, ऐसे होता है कि नहीं? ठीक है, अब वो क्यों आता है? क्योंकि पेरेंट्स ऐसे ही हैं, वो सिखाते हैं। बच्चे तो वही करते हैं ना जो पेरेंट्स सिखाते हैं, और वो अगल बगल की सराउंडिंग में देखते हैं। वो देखते हैं यार पड़ोसी का बच्चा है लेके आया, और फिर अपने पापा से लड़ जाएगा, तो आप भी नहीं दे, आप मना नहीं कर सकते हो। फिर वही सोचेगा यार मेरा पापा तो जाहिल है आदमी तो आपको भी पैसा देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें कि हमने अपनी थिंकिंग चेंज कर लिया, तो ये सारे पॉइंट्स इसमें डालना है। ठीक है, मतलब ये मत डालना कि पापा जाहिल है। कर सकते हो कि उद्देश्य जो जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग वो लिखोगे, और देन जो प्रेजेंट में चल रहा है उसमें इन्वायरमेंट को कैसे हमने कंप्रोमाइज किया, और ट्री का फिर एग्जांपल आप डालोगे कि डेवलपमेंट हम टू इंक्रीज द कंफर्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन एंड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ रोड्स। ठीक है, एंड मेट्रो सर्विसेज वी आर जस्ट नॉट थिंकिंग ऑफ द इन्वायरमेंट पर्टिकुलरली ट्रीज एंड इट इज रिसेंटली सीन इन अरे मुंबई। ठीक है, ये सारी चीजें कर सकते हो। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में जब मुंबई जब स्टेट गवर्नमेंट ने आर्गूमेंट किया था अरे में, तो उन्होंने बोला था कि वी हैव प्लांटेड दीज मैनी ट्रीज दीज मैनी प्लांट्स। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा था वेयर आर द प्लांट्स टेल मी आई विल गो एंड सी। कागज में रहते हैं कि इतना सारा हमारा प्लांट्स है, बट जमीन में कुछ नहीं है। ठीक है, सो नाउ टैक्सिंग एग्रीकल्चरल इनकम, नेक्स्ट पॉइंट। अब इसमें क्या कर सकते हैं, डिमोनेटाइजेशन के टाइम आपने देखा होगा सबके अकाउंट में 2-2 लाख होगा, नहीं था? नहीं आया किसी के अकाउंट में? क्या कितने अनलकी आदमी है, मेरे दोनों अकाउंट में था पूरा भरा हुआ। तो जब जब पैसे नहीं होते ना, रिच लोग होते हैं, सपोज आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि जितने रिच लोग होते थे वो अपने यहाँ की मेड के अकाउंट में डाल रहे हैं, डालते थे कि नहीं? या एग्रीकल्चर में जिन जो फार्मर्स हैं उनके अकाउंट में 2.5 लाख लिमिट था, तो सबके अकाउंट में 2,40,000 ऐसे करके डाल देते थे, उन पे टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि दे आर एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर एग्जेम्प्टेड है अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज 1 ऑफ आईटी एक्ट। ठीक है, नाउ दिस एग्रीकल्चर इज नाउ बिकमिंग अ रूट फॉर ब्लैक मनी, रूट फॉर ब्लैक मनी। सो देयर वाज अ क्राई कि एग्रीकल्चर शुड बी पार्ट ऑफ टैक्स, इनकम हम टैक्स बेस्ड टैक्सेस करेंगे। ठीक है, एंड देयर वाज अ रिकमेंडेशन फ्रॉम नीति आयोग कि हम उसको टैक्स करना चाहिए आफ्टर दिस डिमोनेटाइजेशन। ठीक है, सो देयर आर आर्ग्यूमेंट्स फॉर टैक्सिंग एग्रीकल्चरल इनकम एंड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट टैक्सिंग एग्रीकल्चरल इनकम। सो फॉर में देखो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सोन एज एग्रीकल्चरल इनकम टू इवेट टैक्सेस, फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन वॉज कॉट फॉर दिस, ही सो दैट माई इनकम इज एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, तो पकड़े गए थे टू मिटिगेट जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी, टू मिटिगेट जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी। ठीक है, बहुत सारा ब्लैक मनी आता है और फिर उनके अकाउंट में से आप व्हाइट करा लेते हो। कम परसेंटेज पे चलता था डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, 5% भी तुम्हारे यहाँ जमा कर देंगे, 10% भी तुम्हारे यहाँ जमा कर देंगे, ऐसे पूरा डीलिंग होती थी। चला अच्छा हम मेरे को 20% देना, मेरे यहाँ पे जमा कर लो, ऐसे होती थी डीलिंग। ठीक है, और कई सारे लोग तो ऐसे भी हैं कि उन्होंने पैसे ही वापस नहीं दिया लौटा के, अपने अकाउंट में डाल लिया और फिर पैसा भी वापस नहीं दिया लौटा के। अब आप रिपोर्ट भी नहीं कर सकते इसकी, पुलिस भी नहीं जा सकते ना कि मेरे पैसे जमा कराए थे। तो काफी अच्छा था ये डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, बहुत सारी चीजें चल रही थी, पैसे नहीं मिलते थे, एटीएम जाओ तो पैसे नहीं मिलता था। नाउ द की लिमिटेशन ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स रिजीम इज ए स्मॉल टैक्स बेस। इन 2017 द बजट आवर
16, I think 16 or 17, Arun Jaitley, he said that while presenting the budget, he said that of total adult population in India, only 4% file the tax, and only 2% pay actually tax. Only 2% of adult population pay the tax. ठीक है, tax base बहुत कम है, exemptions बहुत ज़्यादा है, लोग pay ही नहीं करते हैं. ठीक है, so here is that कि हमारा जो tax base है कम है. अगर हम agriculture को ले आते हैं तो हमारा tax base भी कम हो जाए, ज़्यादा हो जाएगा. जब tax base ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास revenue ज़्यादा होगा. अब जब revenue ज़्यादा होगा तो we will have more money to invest in health, agriculture and everywhere. ठीक है, ये कर सकते हैं. सो बेटर टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. एंड नेक्स्ट, स्टेट्स आर रिलक्टेंट टू टैक्स एग्रीकल्चरल इनकम बिकॉज ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स. यूज वोट बैंक पॉलिटिक्स. इवन जो लोन लिया होता है वो भी माफ हो रहा है आजकल. ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं. नेक्स्ट, एग्जेम्पशन इज बेनिफिटिंग लार्ज फार्मर्स. पुअर फार्मर, पहली बात तो उसके इतनी इनकम नहीं कि उसको टैक्स कर सको. ठीक है, जो टैक्स का एग्जेम्पशन है दैट इज बेनिफिटिंग द लार्ज फार्मर्स. इनके पास बहुत सारा इनकम होता है. ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास 400-400 acres का वो होता है फार्म हाउस. ठीक है, तो वो लोग बेनिफिट होते हैं, इतना सारा पैसा आता है. ठीक है, सो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट टैक्सिंग एग्रीकल्चरल इनकम. आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट टैक्सिंग एग्रीकल्चरल इनकम, इसमें क्या होगा? एग्रारियन सेक्टर फेसिंग द प्रॉब्लम्स. ठीक है, सेकेंड इज इंक्रीजिंग इनपुट कॉस्ट इज मेकिंग इट नॉन रिम्यूनरेटिव. इंक्रीजिंग इनपुट कॉस्ट मेकिंग इट नॉन रिम्यूनरेटिव. इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है, मे अफेक्ट फूड सिक्योरिटी. बोलेंगे यार इससे ऊपर टैक्स लग जाएगा तो हम क्या करें, पैदा ही नहीं करते उससे ऊपर. ठीक है, और अगर इस इम्प्लीमेंटेशन विल बी डिफिकल्ट. वो अब गांव के बगल में बेच दे रहा है, कहाँ आप देखने जाओगे? देयर इज नो रिसिप्ट सिस्टम. रिसीट तो मिलती नहीं ना, ऐसा तो है नहीं कागज वागज पूरा मिलता हो, इतने गया, इतना GST, इतना ये कुछ नहीं है. ठीक है, तो अगेन इम्प्लीमेंटेशन इज डिफिकल्ट. एंड सम आर्ग्यू दैट द रिवेन्यू रियलाइजेशन फ्रॉम एग्रीकल्चरल टैक्स विल बी लेस देन रिवेन्यू कलेक्शन, द कॉस्ट इन रिवेन्यू कलेक्शन. कई बार ऑफिसर्स डिप्लॉय करने पड़ेंगे. ठीक है, तो कॉस्ट जितना लगेगा रिवेन्यू कलेक्ट करने में वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू जितना हमें टैक्स मिलेगा. ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स है ना. एग्रीकल्चर सेक्टर इज हाईली अनइक्वल इन टर्म्स ऑफ लैंड होल्डिंग्स एंड इनकम. बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड है, एंड देयर आर नंबर ऑफ फार्मर्स स्मॉल एंड मार्जिनल. फॉर एग्जाम्पल पंजाब एंड बिहार. बिहार में 97% ऑफ अवर लैंड होल्डिंग्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल. ठीक है, एज कंपेयर टू पंजाब वेयर इट इज ओनली 34%. ठीक है, तो अब यू कांट कंपेयर टू स्टेट्स. एंड लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों जगह पे अलग अलग है. ठीक है, तो अगेन द प्रॉब्लम इज इन एग्रीकल्चर. तो आप टैक्सिंग का आप अवॉइड कर सकते हो. ठीक है, तो हियर द रिकमेंडेशन ऑफ MS स्वामीनाथन. रिकमेंडेशन ऑफ MS स्वामीनाथन, एंड ही सेड दैट tax only rich farmers and incentivize small and marginal farmers. Tax the rich farmers, और जो small poor farmers है उनको incentive दो. From the money that we have taxed the rich farmers, जितना आपने revenue realize किया उसको invest करो दूसरे fields में. Because here there is a logic. We have invested heavily during 70s, 80s and 90s in Punjab, Haryana. ठीक है, the money which was for the investment in some other states in Bihar or in West Bengal was diverted for the better food security in Punjab and Haryana. ठीक है, now the farmers are rich, agriculture is developed. ठीक है, now we have to tax those farmers for the investment in other eastern part of India. So here there is a logic. So MS Swaminathan said that. Now the government may go for differential subsidies. जो हमारा यूरिया का सब्सिडी आता है यूनिवर्सल टू एवरी फार्मर. ठीक है, now rich farmers we should
रिमूव द सब्सिडी एंड 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 जो पुअर फार्मर्स है उनको हम फुल सब्सिडी कर सकते हैं. तो नीति आयोग से देयर नो नो वी वी हैव टू टैक्स इट्स ऑल नॉनसेंस. ठीक है. सो सो देयर इज नो नीड टू टैक्स द एग्रीकल्चरल इनकम. टैक्स ओनली द रिच फार्मर्स. सो फोकस मोर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ एम एस स्वामीनाथन नॉट ऑन नीति आयोग. ठीक है. सो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इजी पार्ट है. यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डायग्राम है एंड प्रोज एंड कॉन्स. और कॉन्स में ये दो पॉइंट मैंने डाला है जो आपके उसमें आर्टिकल में आया था. तो फर्स्ट है इट हैज बीन नोटेड दैट यील्ड्स स्टार्ट ड्रॉपिंग आफ्टर सम आफ्टर फ्यू इयर्स. ठीक है. एंड सेकेंड पार्ट इज ICAR एक्सपर्ट हैव वार्न्ड दैट मल्टी लोकेशन स्टडीज आर नीडेड टू साइंटिफिकली वैलिडेट इट्स वायबिलिटी. ठीक है. तो वो पूरा जो आपका आर्टिकल था दैट कैन बी समड इन दीज थ्री लाइन्स. डन. नहीं वी हैव टू मेक आवर एग्रीकल्चर रिम्यूनरेबल ना देन द फार्मर्स कैन चेंज. अगर हम डिमांड बढ़ा देते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रोडक्ट्स का तो अगेन द उसका वो बढ़ेगा. वो लोग जाएंगे ना उस तरफ. जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कॉस्टली प्रोडक्ट्स है इसलिए लोग खा नहीं रहे ले नहीं रहे. तो अगेन द प्रॉब्लम इज डिमांड हेयर. ठीक है. धीरे धीरे बढ़ रहा है. अभी चाय कॉफी तो लोग बहुत खरीदने लगे हैं. ठीक है. ये सारी. ओके देन. थैंक यू.